गाइस जिन लोगों को नहीं पता ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं ट्रेडिंग वी को यूज़ करना। गाइस आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम मार्केट का लाइव अपडेट आपको देते हैं। तो गाइस आज हमने जो स्ट्रेटजी बनाई उनको, दो इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं। देखिए गाइस, स्ट्रेटजी चार या पांच इंडिकेटर को यूज़ करके ही बनाई जा सकती है, परफेक्ट स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर में होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एंट्री या एग्जिट सिग्नल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ज़्यादा इंडिकेटर में, इसलिए मैं हमेशा दो या तीन ही इंडिकेटर पर स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ, ताकि आराम से हमें एंट्री और एग्जिट का सिग्नल प्रोवाइड हो सके और हम एक अच्छी ट्रेड ले सकें। तो आज भी हमने इसमें दो इंडिकेटर को यूज़ किया है। कौन कौन से इंडिकेटर है पहले मैं वो बताऊँगा, देन बैक टेस्ट करने के बाद मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊँगा कैसे आपको इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से वो दो इंडिकेटर हैं। गाइस जो हमने पहला इंडिकेटर यूज़ किया है उसका नाम है RSI ELGO है, और जो दूसरा है वो सालमा, SALMA सालमा। गाइस जो हमने दो इंडिकेटर यूज़ किए हैं उसमें पहला जो इंडिकेटर है वो RSI ELGO है, और जो दूसरा इंडिकेटर है वो सालमा इंडिकेटर है। इसको हमने एक कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए हमने यूज़ किया है। एंट्री एग्जिट तो RSI ELGO अच्छी देता है, लेकिन हमने फेक सिग्नल से बचने के लिए इसमें सालमा को यूज़ किया है। तो जो बाय और सेल का सिग्नल आप देख रहे हैं RSI ELGO के हैं, और जो ये ग्रीन और रेड लाइन देख रहे हैं सालमा का इंडिकेटर है। तो दो इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कॉल में देखेंगे, देन उसके बाद हम पुट में देखेंगे, उसके बाद एक दो ट्रेड इसमें बैक टेस्ट भी करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊँगा कैसे आपको RSI ELGO की सेटिंग करनी है। गाइस जो ग्रीन और रेड लाइन आप देख रहे हैं, मिडिल लाइन, ये सालमा इंडिकेटर की है, और बाय और सेल का जो सिग्नल है वो RSI ELGO का है। ओके, तो इसमें कॉल में एंट्री करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है सालमे की जो लाइन है वो ग्रीन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है RSI का बाय का सिग्नल होना चाहिए। जैसे ही बाय का सिग्नल देगा हमें, बाय का सिग्नल देगा उसी, जिस कैंडल पे बाय का सिग्नल देगा हमें उसी कैंडल पे इसमें एंट्री ले लेनी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सालमा का जो लाइन है वो ग्रीन कलर की, और यहाँ पे RSI ने बाय का सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। गाइस देखिए, मैं इसमें आपको जो सजेस्ट करूँगा, आपको केवल 100 पॉइंट का इसमें टारगेट रखना है। अगर आप उससे ज़्यादा इसमें टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए इसमें यहाँ पे सालमा की जो लाइन है वो भी ग्रीन कलर की है, और RSI का बाय का सिग्नल है, तो इस कैंडल पर हम एंट्री कर जाएंगे। इस कैंडल पर करेंगे हम एंट्री। ओके, स्टॉप लॉस रखेंगे हम नेक्स्ट कैंडल, ये काफ़ी स्मॉल कैंडल है तो हम इससे पीछे वाली कैंडल का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। 100 पॉइंट का इसमें टारगेट करेंगे, और अगर आप 100 पॉइंट से इसमें ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, देन उसके बाद आप इसमें ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। मैं आपको केवल 100 पॉइंट का ही इसमें आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप इससे ज़्यादा इसमें टारगेट करना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करना पड़ेगा आपको। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। इसी तरह अब हम सेल में देखेंगे सेल की क्या कंडीशन है। सालमा की जो लाइन है वो रेड कलर की होनी चाहिए, और RSI ELGO का जो सेल का सिग्नल होना चाहिए। जैसे ही सेल का सिग्नल बनेगा हम इसमें कर जाएंगे एंट्री, और स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया जहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया, स्टॉप लॉस ये हो गया। टारगेट रखेंगे इसमें 100 पॉइंट। तो गाइस यहाँ पे भी जो 100 पॉइंट का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। गाइस परफेक्ट स्ट्रेटजी है एक, आपको बस क्या करना है इसको एक बार बैक टेस्ट कर लेना है खुद से, ताकि आपको खुद से भी यकीन हो जाए कि ये स्ट्रेटजी वर्क करती है नहीं करती है। अगर आपको यकीन होता है कि ये आपको प्रॉफिट दे सकती है तो आप इसको रियल ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने का, ताकि आप मार्केट में उसे यूज़ करके उससे प्रॉफिट बना सकें। अगेन देख लेते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे भी आप सालमा का जो सिग्नल है वो ग्रीन कलर का है, और RSI ELGO का बाय का सिग्नल है। हम जैसे ही बाय का सिग्नल बनेगा हम एंट्री कर जाएंगे इस पर। ये हमने एंट्री किया, और स्टॉप लॉस हमने इसका ये रखा, ये वाला कैंडल, और 100 पॉइंट का हम रखेंगे इसमें टारगेट। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अगेन देख लेते हैं,
देखिए गाइस, यहाँ पे सालमा का जो सिग्नल है, सालमा की जो लाइन है वो रेड कलर की है। आरएसआई का जो सेल का सिग्नल है, हम एंट्री कर जाएंगे और इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे, हम रखेंगे स्टॉप लॉस, ये कैंडल हम रखेंगे और 100 पॉइंट का इसमें टारगेट करेंगे। एंट्री आपका ये हो गया, हम यहाँ पे भी इसमें 100 पॉइंट टारगेट करेंगे। देखिए गाइस, 100 पॉइंट यहाँ पे भी आप अचीव कर चुके हैं इसमें। अगेन देख लेते हैं, देखिए सालमा का बाय का सिग्नल है, सॉरी सालमा की जो लाइन है वो ग्रीन कलर की है इसमें, और आरएसई एल्गो का बाय का सिग्नल हम एंट्री कर जाएंगे इसमें। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, इसमें टारगेट करेंगे हम 100 पॉइंट। गाइस, अगर आप 100 पॉइंट से ज़्यादा इसमें अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, ताकि आप इसमें जो भी आपको बड़ा मूव मिले आप उसको कैच कर सकते हैं। गाइस, स्ट्रेटेजी बहुत ही सही है, बस आपको इसके एक बार बैक टेस्ट जरूर से कर लेना है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। एक हम इसमें और देख लेते हैं, एक दो ट्रेड, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे करना है। सालमा की जो लाइन है वो रेड होनी चाहिए सेल के लिए, और आरएसआई का सेल का सिग्नल होना चाहिए। जैसे ही सेल का सिग्नल बनेगा हम इसमें एंट्री कर जाएंगे, 100 पॉइंट का हम इसमें टारगेट रखेंगे। तो गाइस, आप इसमें 100 पॉइंट बहुत आराम से इसमें अचीव कर सकते हैं। जैसे ही सेल का सिग्नल या बाय का सिग्नल आपको मिलता है कॉल पुट के लिए, तो आप आराम से इसमें 100 पॉइंट को आप अचीव कर सकते हैं। एक तरह से ट्रेंड लाइन को, एक तरह से ही अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैच करके आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है। अब हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। दो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, कौन कौन सी कैसी सेटिंग होगी इसकी वो देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। गाइस, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है, ठीक है, और जो मैंने कैंडल वो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। गाइस, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे यहाँ पे हाइकनेसी में बनानी चाहिए वीडियो या नॉर्मल कैंडल में। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि मैं हाइकनेसी पे वीडियो बनाऊँ, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि मैं जो डिफ़ॉल्ट कैंडल है उस पर बनाऊँ। तो आज मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट कैंडल पर वीडियो बनाई है। डिफ़ॉल्ट कैंडल मैंने यहाँ पर रखी है, इंडिकेटर के आइकन पर क्लिक करके हमें सर्च करना है इसमें सालमा, ये वाला। जैसे आप सालमा लिखेंगे जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर है, मैं इसको क्लिक करूँगा, सॉरी इसको मैं क्लिक करूँगा। तो इसमें सेकंड इंडिकेटर है वो है आरएसआई एल्गो। जैसे ही आप आरएसआई इसमें एल्गो लिखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला इंडिकेटर जो है ये हमें यूज़ करना है। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा, यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। गाइस, बस अब हमें इसमें सेटिंग करनी है आरएसआई की, जो इसमें हमें सेटिंग करनी है, सॉरी आरएसआई की हमें इसमें सेटिंग करनी है। तो वो क्या सेटिंग है वो देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा फेक सिग्नल से प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, सालमा की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहेगी, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। आरएसए एल्गो की सेटिंग में चलेंगे आइकन पे, जिसका पीरियड है वो हम रखेंगे इसका 11 कर देंगे इसको। जो अपर थ्रेशोल्ड है इसका वो करेंगे हम इसका 69, एंड लोअर थ्रेशोल्ड जो है वो हम इसका 30 ही रहने देंगे। तो ये इसकी सेटिंग होनी है बस, और इसको ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इसकी सेटिंग हो चुकी है एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए, बिल्कुल स्ट्रेटजी रेडी है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।